हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज की कहानी किम नाम के छोटे से गैंगस्टर की है जो कि कर्जा वसूली का काम करता है, लेकिन किम को इस काम के बहुत ही कम पैसे मिलते हैं और पैसे कमाने के चक्कर में किम ऐसे ऐसे क्राइम कर जाता है जो कि उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो आइए देखते हैं किम ब्यूंग की कहानी को। कहानी की शुरुआत किम से होती है जो कि अपनी फैमिली और गैंग के लोगों को अच्छी जिंदगी देना चाहता है, लेकिन इसके लिए किम को ढेर सारे पैसे चाहिए, जिसके चलते किम गैंगस्टर सैंग के अंडर काम करने लगता है। और एक दिन किम कर्जा वसूली के ढेर सारे पैसे लाकर सैंग को देता है, लेकिन इसके बदले में किम को बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, जिसे देख किम सैंग को कहता है कि ये सब काफी नहीं है बॉस, मुझे अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी गैंग को भी देखना होता है, इसलिए मुझे कुछ और पैसे चाहिए। और इसे सुन सैंग गुस्से में आ जाता है, जो कि किम को कहता है कि मेरी बहन की कुछ ही दिनों में शादी है, इसलिए मेरे साथ अब पैसों की बात मत करना। खैर, इसके बाद हम किम और सैंग को प्रेसिडेंट हैंग के साथ देखते हैं, जो कि दोनों का बॉस है। और यहाँ प्रेसिडेंट हैंग किम के काम की काफी तारीफ करता है, जिसके बाद वो सैंग को कहता है कि किम बड़े काम का बच्चा है, इसके लिए कुछ करो ताकि किम भी कुछ पैसे कमा सके। जिसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना किम को गेमिंग रूम खोल कर दिया जाए। खैर, थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट हैंग को प्रोसिक्यूटर पार्क की कॉल आती है, जहां मिस्टर पार्क हैंग को बहुत ही ज्यादा धमका देता है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर पार्क क्रिमिनल को सजा दिलाने में एक्सपर्ट है। अब क्योंकि हैंग भी एक क्रिमिनल है, इसलिए मिस्टर पार्क उसके पीछे पड़ा है। और इससे तंग आकर प्रेसिडेंट हैंग सैंग को कहता है कि क्या तुम मिस्टर पार्क को मार सकते हो, लेकिन सैंग इस काम को करने से मना कर देता है क्योंकि मिस्टर पार्क बहुत ही खतरनाक है। खैर, इसके बाद सैंग गेमिंग रूम को ओपन करता है, जिसका इंचार्ज होगा किम, लेकिन तभी किम का लेफ्ट हैंड जोंग उसे कहता है कि हमें अपने लिए एक अच्छा स्पॉन्सर यानी कि दूसरा बॉस ढूंढना होगा जो कि हमें अच्छे पैसे दे, क्योंकि सैंग की गैंग में यंग नाम का गैंगस्टर है जो कि सैंग की चापलूसी करता रहता है, इसलिए जोंग को डर है कि कहीं यंग उनका काम छीन ना ले। और तभी किम से मिलने मिन आता है, जो कि किम का स्कूल फ्रेंड होने के साथ एक मूवी डायरेक्टर है, जो कि गैंगस्टर की लाइफ पर एक मूवी बनाना चाहता है, जिसके चलते ये किम की जिंदगी को थोड़ा नजदीक से देखना चाहता है। लेकिन किम बातों को घुमाकर ह्यूनजू नाम की लड़की के बारे में पूछता है, जिसे स्कूल में किम काफी पसंद करता था, जहां मीनू से कहता है कि वो एक बुक स्टोर में काम करती है, लेकिन कभी कभी हम सभी स्कूल फ्रेंड इकट्ठा होते हैं और इस बार तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। और तभी किम को कॉल आती है कि गेमिंग रूम में दूसरी गैंग ने अटैक कर दिया, जो कि पूरी शॉप को बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ मिन पहली बार गैंगस्टर को लड़ते हुए देखता है, जहाँ सैंग आकर सबको आदेश देता है कि ये काम करने वाली गैंग को मच्छर की तरह मसल दो, जिसके बाद दोनों गैंग में फाइट होने लगती है, जहाँ गुस्से में सैंग एक आदमी को स्टैप कर देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि कोरिया में कोई भी गैंग किसी भी गैंग मेंबर को जान से नहीं मार सकती, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल की भी सजा हो सकती है, लेकिन यहाँ सैंग ने वो गलती कर दी थी जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। खैर, इसके बाद प्रेसिडेंट हैंग सैंग को कहता है कि इस इंसिडेंट को तुम कैसे संभालोगे, जहाँ सैंग उसे कहता है कि मैंने पैसे देकर बात को थोड़ा दबा दिया और मेरी जगह यंग थोड़े समय के लिए जेल जाएगा और इसके बदले में यंग के लोग नया गेमिंग रूम संभालेंगे, यानी कि जोंग की बात यंग को लेकर सही थी कि ये साला हमारे पेट पर लात मारेगा। खैर, अब ये सुन किम परेशान हो जाता है, जो कि सैंग को मनाने की कोशिश करता है कि वो गेमिंग रूम की मुझे बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरा घर भी खतरे में है और मेरे लोगों को भी पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन सैंग किम की एक नहीं सुनता। और तभी हैंग को मिलने प्रोसिक्यूटर पार्क आता है, जो कि हैंग के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। और घर जाते समय हैंग किम को सैंग के बारे में भड़काने की कोशिश करता है कि सैंग सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसलिए तुम्हें किसी और बॉस की जरूरत है जो कि तुम्हारी वैल्यू समझता हो। जहां किम भी हैंग की बात से सहमत था, और यहीं हैंग का किम को भड़काने का प्लान काम कर जाता है, जहां किम हैंग के लिए काम करने का तय करता है, जो कि हैंग से प्रोसिक्यूटर पार्क को मारने का काम मांगता है, जिसके बाद किम अपने खास आदमी जोंग के साथ मिलकर पार्क को ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है। खैर, इसके बाद किम अपने क्लासमेट्स को मिलता है, जिसमें ह्यूनजू भी शामिल थी, जिसे किम स्कूल टाइम से पसंद करता था। और तभी जोंग किम को कॉल कर कहता है
कि प्रोसिक्यूटर पार्क आज अकेला है और ये मौका सबसे अच्छा है, जिसके बाद दोनों प्रोसिक्यूटर पार्क को फॉलो करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उसे मारकर जंगल में दफना देते हैं। और मिस्टर पार्क के मरते ही प्रेसिडेंट हैंग किम को बहुत से पैसे देकर एक प्रॉमिस करता है कि आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम अब से मेरे लिए काम करोगे। और इसी के साथ प्रेसिडेंट हैंग उसे कहता है कि ये बात किसी को भी मत बताना कि हमने मिलकर मिस्टर पार्क को मार दिया। और इधर यंग सैंग के कान भरने लगता है कि किम प्रेसिडेंट हैंग के साथ खाना खा रहा था और हैंग उसे काफी प्यार दे रहा था, कहीं उसने प्रोसिक्यूटर पार्क को मार तो नहीं दिया। जिसके बाद किम मिन को अपनी गैंग से मिलवाता है ताकि उसे कुछ आइडिया मिल सके अपनी गैंगस्टर मूवी को बनाने का। और इसी के साथ किम ह्यूनजू से भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसके बाद सैंग किम को अपनी बहन की शादी का कार्ड देता है और बातों ही बातों में वो किम से जानने की कोशिश करता है कि कहीं तुमने प्रोसिक्यूटर पार्क को मार तो नहीं दिया। लेकिन किम इससे इनकार कर देता है, पर उसके चेहरे को देख सैंग समझ जाता है कि किम ने ही प्रोसिक्यूटर पार्क को मारा है। खैर, इसके बाद सैंग यंग को कहता है कि प्रेसिडेंट हैंग और किम मिलकर मुझे भी मार सकते हैं, इसलिए तुम मेरी बहन की शादी के बाद प्रेसिडेंट हैंग और किम को मार देना, क्योंकि गैंगस्टर की दुनिया में कोई ना कोई अपने बॉस को मारकर उसकी जगह ले लेता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्राइम की इस दुनिया में अगर कोई गैंग मेंबर किसी को जान से मारने की कोशिश करता है तो उसे जेल जाना पड़ता है, लेकिन अगर कोई गैंग मेंबर सीक्रेटली किसी को मारकर कहीं दफना दे तो उसे कोई नहीं पकड़ सकता। और अगर आप कोरियन क्राइम मूवी देखते हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि ये लोग अपने शिकार को मारकर जंगल में दफना देते हैं जहां उसे कोई ना ढूंढ पाए। बैक टू द स्टोरी, अब यहां किम सैंग से ज्यादा तेज निकलता है, जो कि अपनी गैंग के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि शादी वाले दिन ही सैंग को मार देंगे। और शादी वाले दिन जोंग यंग को धमकी देता है कि अगर तुझे जिंदा रहना है तो कुछ सालों के लिए कोरिया से बाहर चला जा। और इधर किम मौका देखकर सैंग को मार देता है, हालांकि उसे मारते समय किम के अंदर काफी गिल्ट भर जाता है। अब सैंग को मारने के बाद किम अपना पुराना घर छोड़कर नई जगह शिफ्ट हो जाता है और हैंग भी किम को मालामाल कर देता है। और इसी बीच किम ह्यूनजू से भी मिलना शुरू कर देता है, जहां दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। लेकिन एक दिन किम ह्यूनजू को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ देख लेता है, जहां उसका बॉयफ्रेंड ह्यूनजू को परेशान कर रहा था। और तभी किम आकर उसे मारने लगता है, जिसे देख ह्यूनजू गुस्से में आ जाती है और वो किम को कहती है कि मैं गैंगस्टर से नफरत करती हूँ और आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत करना। अब इसे सुन किम का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो ह्यूनजू को बहुत ही प्यार करता है, जिसके चलते वो मिन के साथ मिलकर काफी दारू पीने लगता है, जिससे किम काफी इमोशनल हो जाता है। और अपने गिल्ट को कम करने के लिए किम मिन को सारी बातें बता देता है कि कैसे उसने मिस्टर पार्क और सैंग को मार दिया। फिर दूसरे दिन प्रेसिडेंट हैंग किम को एक पुरानी बस्ती दिखाता है, जिसे हटाकर हैंग बॉस सी बिल्डिंग बनाएगा और इससे किम और हैंग बहुत से पैसे कमाएंगे। और इसी के साथ हैंग किम को कहता है कि यहाँ के लोग जाने को तैयार नहीं, अगर तुमने ये जगह खाली करवा दी तो तुम्हें आने वाले प्रोजेक्ट में से 50 अपार्टमेंट्स मिलेंगे। जिसे सुन किम उसे कहता है कि मैं कल से ही काम करना शुरू कर देता हूँ, जिसके बाद वो सभी लोगों को धमका कर यहां से जाने को कहता है, जिसके चलते किम 90% जगह को खाली करवा लेता है। और इधर मिन किम की मदद से एक स्टोरी रेडी करता है जो कि ज्यादातर किम की लाइफ से इंस्पायर थी, जिसे सुन मिन का बॉस उसे कहता है कि ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, इसलिए जल्दी से जल्दी इस पर मूवी बनाना शुरू कर दो। जिसके बाद मिन जाकर हैंग और किम को मिलता है, जहाँ हैंग मिन को कहता है कि मेरी बेटी भी एक एक्टर बनना चाहती है, इसलिए क्या तुम उसे एक चांस दे सकते हो। और मिन इस चीज के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद किम फिर से ह्यूनजू के पास जाकर अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश करता है, जहाँ किम को ह्यूनजू बीमार हालत में मिलती है। लेकिन किम ह्यूनजू का काफी ध्यान रखता है, जिससे ह्यूनजू के दिल में किम के लिए प्यार जागने लगता है। और दूसरी तरफ एक और गैंग हैंग की जगह को दबाने की आड़ में थी, जिससे किम काफी देर से ढूंढ रहा था। और एक दिन उन्हीं के लोग किम और उसके साथी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके मारने से पहले ही किम उनकी पूरी गैंग और बॉस को मार देता है। जिसके बाद किम ह्यूनजू से भी अपने दिल की बात कह देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी के बाद मैं ये सब छोड़कर एक अच्छा धंधा शुरू करूंगा। जिसके चलते ह्यूनजू किम की बात मान लेती है और धीरे धीरे वो किम की फैमिली से मिलना शुरू कर देती है।
और दूसरी तरफ मिन भी अपनी मूवी की शूटिंग करना शुरू कर देता है, जहां किम आकर उन्हें फाइट करने का तरीका सिखाता है कि गैंगस्टर कैसे फाइट करते हैं। जहां किम मिन को कहता है कि अगर तुम्हें मूवी को रियल स्टोरी की तरह दिखाना है तो फाइट सीन को इस तरीके से शूट करो, जिसे देख मिन किम को कहता है कि मूवी के सेट पर तुम आना बंद कर दो क्योंकि यहां के काफी लोग तुमसे डरते हैं, जिसे सुन किम यहां से चला जाता है। फिर काफी समय बीतने के बाद मिन की मूवी फाइनली थिएटर्स में लग जाती है, जिसे देख किम के होश उड़ जाते हैं क्योंकि मूवी में वो सब क्राइम सीन थे जो कि किम ने अपनी असली जिंदगी में किए थे, जैसे कि गैंगस्टर सैंग को मारना और प्रोसिक्यूटर पार्क को मारकर ठिकाने लगाना। अब मूवी को देख किम समझ जाता है कि उस दिन दारू के नशे में जो बातें इमोशनल होकर उसने मिन को बताई, उन सबको लेकर मिन ने मूवी बना दी, जिसके बाद प्रेसिडेंट हैंग किम पर गुस्सा करता है कि ये हमारा सीक्रेट था और अब मिन को तुम ही संभालो, जिसके बाद किम मिन पर गुस्सा करता है कि तुमने ये सब ठीक नहीं किया। जहां मिन उसे जुबान देता है कि ये बस एक मूवी थी और इसके अलावा मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, जिसके चलते किम उसे आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देता है। जिसके बाद जोंग किम को कहता है कि हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन किम उसे मिन से दूर रहने को कहता है कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसे नहीं मार सकता और वैसे भी ये उसकी आखिरी गलती है, लेकिन जोंग किम की बात नहीं मानता, जिसके चलते वो मिन को किडनैप कर उसे धमकी देता है कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो हम तुम्हें मार देंगे। अब इसी डर से मिन एक ऑफिसर को किम के बारे में सब बता देता है, लेकिन प्रेसिडेंट हैंक के बारे में वो कुछ नहीं बताता, जिसके चलते पूरी पुलिस किम के पीछे पड़ जाती है। जहां किम थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट हैंक को कहता है कि मुझसे गलती हो गई और अब मैं मिन को नहीं छोड़ूंगा, जिसके बाद किम जाकर जोंग से माफी मांगता है कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब मिन को मारना काफी मुश्किल है क्योंकि उसकी मूवी बहुत ही फेमस हो चुकी है। और थोड़ी देर बाद किम प्लान बनाता है कि मिन को हम उसकी पार्टी से किडनैप कर कहीं दूर ले जाएंगे और वहीं मिन को मार देंगे, लेकिन पार्टी में किम को देख मिन भागने लगता है और जैसे ही मिन बिल्डिंग के बाहर आता है उसी वक्त किम के लोग आकर उसे ले जाते हैं, जिसके बाद वो किम को उसी लोकेशन पर आने को कहते हैं, लेकिन तभी किम पर एक गैंग अटैक कर देती है, लेकिन जैसे तैसे किम सबको मारकर खुद को बचा लेता है और थोड़ी दूर जाते ही किम अपनी गैंग को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ कर्मा अपना जादू दिखाता है और जैसे किम ने अपने बॉस को मारकर उसकी जगह ली थी, उसी तरह किम को उसी का खास आदमी मार देता है, जिसके बाद किम की जगह जोंग ले लेता है और दूसरी तरफ किम की मॉम की भी डेथ हो जाती है। खैर, कहानी के आखिर में हम प्रेसिडेंट हैंक के साथ मिन और जोंग को देखते हैं। यहाँ फिर से प्रेसिडेंट हैंक की बेटी मिन की मूवी में काम करने वाली है और इसी के साथ हम जान पाते हैं कि किम को मारने का सारा प्लान प्रेसिडेंट हैंक का था, क्योंकि मिस्टर हैंक को डर था कि कहीं किम उसे फंसा ना दे। और कहानी के आखिर में हमें किम की एक झलक दिखाई जाती है और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये थी किम ब्यूंग की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं।